हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। बट ये वीकली करंट अफेयर्स ये पिछले का एक वीक का नहीं है, का महीना पहले का भी हो सकता है, का सप्ताह पहले का भी हो सकता है। लेकिन जो सिलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ ऐड करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बेहतर क्वेश्चन का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यहाँ है कि उपयुक्त में से कितने पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को वापस ले लिया गया। ऊपर जो भी है इसमें से किसका किसका जो है 10 अप्रैल के आसपास के समय में, ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये तीनों पार्टियों का जो दर्जा जो है अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो केवल सभी तीन यहाँ आंसर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए इसे अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग 10 अप्रैल 2023 को प्रदान किया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। इससे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की संख्या 6 रह गई है, ठीक है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी व आम आदमी पार्टी, ये 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी रह गए हैं। आगे देखते सकते हैं, भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। तो आंसर होगा 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। करें भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम मैसूर विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय बाघ अनुमान जो 5वां चक्र था की सारांश रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी की। बाघ गणना के 5वें चक्र की गणना में 2022 में देश में बाघों की संख्या के अनुमान बताए गए, थोड़ा वो भी देखते हैं। कह रहा है इस गणना में देश में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई है, जबकि 2018 के चौथे चक्र की गणना में यह संख्या 2967 थी। इस प्रकार 2018 से 22 के 4 वर्ष की अवधि में देश में बाघ की संख्या में 2.97% की वृद्धि हुई। 2006 में पहली बाघ गणना से देश में बाघों की कुल संख्या 1411 थी। आगे देखते हैं, करा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में विश्व में बिल्ली प्रजाति के निम्नलिखित में से कितने जीव को शामिल किया गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आंसर 7 को चुना गया है बिग कैट्स अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये 7 जो है बिल्ली स्वरूप प्रजाति है। तो यहाँ देख सकते हैं फिर से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, ठीक है। तो आंसर होगा केवल 7 नहीं, सभी 7, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, टोटल तो 7 ही है ना, सभी 7, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस देश में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब विश्व में बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जंतुओं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर व चीता के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में की। आगे देखते हैं और है इसमें, कर गठबंधन की घोषणा करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2019 में विश्व बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम में एशिया में अवैध वन्य जीव व्यापार व अवैध शिकार के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का आह्वान
उन्होंने किया था। इंटरनेशनल विकेट अलाउंस को इसी भावना का विस्तार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अलाउंस विश्व के 7 विकेट्स के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश इस अलायंस में शामिल होंगे। आगे देखते हैं, करा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की पुरस्कार राशियों में भारी वृद्धि की घोषणा अप्रैल 2023 में की है। निम्नलिखित युगों पर विचार विजेता टीम के संबंध में कीजिए। यहाँ टूर्नामेंट है, विजेता टीम को मिलने वाली राशि, रणजी ट्रॉफी 5 करोड़ है। पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद गलत ढूंढेंगे या सही ढूंढेंगे। ईरानी कप 1 करोड़, दिलीप ट्रॉफी की होता है 2 करोड़, विजय हजारे ट्रॉफी 1 करोड़। ध्यान देना है, रणजी ट्रॉफी में विजेता टीम को 5 करोड़ मिलने लगे, पहले वाला भी देख सकते हैं बट अब ये हो गया। ठीक है, ईरानी कप में शायद 50 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी में 1 करोड़ के आसपास होगा और विजय हजारे ट्रॉफी में 1 करोड़ है। तो यहाँ पे 2 सही मिल रहा है और उपरोक्त में कितने युग्म सही है, तो केवल 2 युग्म सही है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की पुरस्कार राशियों में भारी वृद्धि की घोषणा अप्रैल 2023 में की है। पुरुषों के टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि में वृद्धि 60 से 300%, जबकि महिला क्रिकेट की 2 टूर्नामेंट्स के लिए 700% से अधिक की वृद्धि की गई है। ठीक है, यहाँ रणजी ट्रॉफी विजेता को 5 करोड़, ईरानी कप विजेता को 50 लाख, दलीप ट्रॉफी 1 करोड़, अब विजय हजारे ट्रॉफी में कितना मिलता है 1 करोड़, देवधर ट्रॉफी 40 लाख, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 80 लाख। इस प्रकार से रणजी ट्रॉफी में यदि देख सकते हैं तो वो विजेता टीम को 3 करोड़, ईरानी कप में 25 लाख, दलीप ट्रॉफी में 50 लाख, विजय हजारे ट्रॉफी में 50 लाख, देवधर ट्रॉफी में उपविजेता को 20 लाख मिलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजेता टीम को ठीक है 40 लाख मिलते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है तो एक टीम है तो टीम को पूरी तरह से मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, अप्रैल 2023 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थलों के नाम बदल दिए थे, ठीक है, अनाधिकृत रूप से। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 स्थानों के नाम को बदला था चीन ने अरुणाचल प्रदेश के। तो देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आखिर था क्या। करा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने के लिए चीन समय समय पर असफल प्रयास करता रहा है। भारत के इस प्रदेश के कुछ हिस्सों को वह तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। इसी दावे के तहत इसके 11 स्थलों के नाम बदलकर तिब्बती भाषा में इनके नामों के साथ नया मानचित्र चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2023 को जारी किया है। इन 11 स्थलों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 आवासीय क्षेत्र, 5 पर्वत शिखर व 2 नदियां शामिल है। चीन के इस कदम के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट कहा है कि चीन द्वारा नाम बदल देने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। चीनी प्रयास को खारिज करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने का प्रयास चीन द्वारा किया गया है। भारत की आपत्ति के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया चीनी विदेश मंत्रालय ने व्यक्त की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जंगनान को चीन का हिस्सा बताया है। किस देश ने अपने 3 अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन 15 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया है? तो उस देश में 3 अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बचा था, उसको भी उसने बंद कर दिया है, तो वो देश है जर्मनी। ठीक है, आइए देखते हैं। दरअसल वर्ष 2011 में जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के कारण हवा में विकिरण फैलने की आशंकाओं ने समूचे विश्व को भयभीत कर दिया था। उस दुर्घटना के बाद ही जर्मनी ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संस्थानों को बंद करने का निश्चय कर लिया था। जर्मनी ने अपने 3 अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन 15 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया। इसके साथ ही विगत 6 दशकों से भी अधिक समय तक चले पश्चात परमाणु युग का वहाँ अंत हो गया है। ठीक है, अपने अंतिम बचे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के पश्चात जर्मन विदेश मंत्री स्टेफी लैमके ने कहा कि नाभिकीय संयंत्र नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं थे, उसके साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह घातक थे।
अब देखते हैं आगे अप्रैल 2023 तक नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसका 32वां सदस्य बना। आगे देखते हैं नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। अब यहाँ पे ढूंढना ये है कि कौन सा कथन सही है। तो फिनलैंड जो बना था ना 31वां सदस्य बना था, ठीक है, बाकी दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख सकते हैं नाटो यूरोप व उत्तरी अमेरिकी देशों का एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा आदि देश इसके सदस्यों में शामिल हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों की स्वतंत्रता व स्वायत्तता की रक्षा करना है। इस संगठन किसी भी देश पर यदि कोई हमला करता है तो इसकी रक्षा के लिए नाटो के सभी देश मिलकर उसका बचाव करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी मिलकर विरोधी देश पर हमला करेंगे। नाटो की स्थापना मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोप की सुरक्षा के लिए हुई थी। 1949 में स्थापना के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 31 हो गई है। फिनलैंड इसका 31वां सदस्य अप्रैल 2023 में बना। इससे पूर्व नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में इसका 30वां सदस्य बना था। आगे देखते हैं संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में कौन सा देश 2 पर्यवेक्षक देश के रक्षा मंत्रियों ने भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में भाग लिया। तो पर्यवेक्षक देश जो 2 थे देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बेलारूस एवं ईरान है, दूसरा है रूस व ईरान, तीसरा है ईरान व इराक और डी है संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। तो ये 2 पर्यवेक्षक देश जो थे बेलारूस और ईरान थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 28 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई। संगठन के सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त 2 पर्यवेक्षक देशों बेलारूस व ईरान के रक्षा मंत्रियों ने भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में भाग लिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वर्चुअल मोड में इसमें शामिल थे। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श इस बैठक में हुआ। आतंकवाद व उग्रवाद के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए संगठन के सदस्य देशों में आपसी सहयोग पर चर्चा बैठक में की गई। चलिए देखते हैं 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6.03% की वृद्धि हुई है, कथन पहला। दूसरा है आयातों में वृद्धि 16.5% रही है और तीसरा है 2022-23 के दौरान वस्तुगत व्यापार घाटा $286.7 अरब का रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लगता है इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, वही होगा। यदि वही होगा तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन सा देश 2022-23 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। सिंगापुर, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो 2022-23 में जो है बना हुआ था, क्योंकि वो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी। और अभी का समय चल ही रहा है। आगे देखते हैं करा वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है कि अमेरिका 2022-23 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जबकि चीन का इस मामले में दूसरा स्थान है। इससे पूर्व 2021 में भारत के वस्तुगत विदेशी व्यापार में यही स्थिति थी, किंतु 2021-22 की तुलना में 2022-23 में अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में जहाँ 7.6% की वृद्धि हुई है, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1.5% घटा है। तो आज हमने देख लिया करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले दिन इतिहास के साथ। तो आज भर के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।